अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कल हमने सेल साइकिल पढ़ा था। सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को उसमें से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल आपका चैप्टर है और मुश्किल भी है। इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक दफ़ा करके छोड़ देंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है इसके अंदर, ठीक है, और साथ साथ इसको याद करना है। कल सेल साइकिल हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग माइटोसिस देखेंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर जो आपका है 89, उसके ऊपर आपका टॉपिक है माइटोसिस को, उसको स्टार्ट करते हैं। 1880s के अंदर एक जर्मनी का बायोलॉजिस्ट था वाल्डर फ्लेमिंग, ठीक है। उसने ऑब्जर्व की थी डिवीजन ऑफ सेल, उसने देखा था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट किस्म के चेंजेस के अंदर से गुजरता है और फिर जो है वो सेल डिवाइड होता है, ठीक है। सेल के अंदर से के अंदर डिफरेंट किस्म के स्टेजेस आती हैं उसके डिवीजन की, ठीक है। तो एक सेल से दो सेल्स बनते हैं जिनको डॉटर सेल्स कहते हैं। ये जो डिवीजन है जिसमें एक सेल से दो सेल्स बनेंगे इसको माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस के अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इंटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल से दो नए सेल्स बन रहे हैं, ये सेल और ये सेल। ये दोनों जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, ये डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स, एंड इट इज़ अ पेरेंट सेल। जिस सेल ने डिवाइड करना है वो क्या कहलाता है, पेरेंट सेल। उससे जो नए दो सेल्स बनते हैं वो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको डिवीजन, इसको माइटोसिस, ऐसी टाइप ऑफ डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। आपने याद रखना है माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स इंटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वेल प्रेजेंट द पेरेंट सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे, तो नए बनने वाले दो डॉटर सेल्स के अंदर दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 और 46 ही होंगे, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक जो है वो माइटोटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स होते हैं, दूसरे जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स जो हैं ये वो वाले सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। हमारी बॉडी जिस टाइप ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। उसके अलावा दूसरे जो हैं वो जर्म लाइन सेल्स होते हैं। स्टूडेंट्स जर्म लाइन सेल्स जो हैं ये वो वाले सेल्स होते हैं जो कि गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स आपको पता है कि स्पर्म सेल और एग सेल होता है। स्पर्म सेल जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन वाला सेल होता है जो मेल्स के अंदर पाया जाता है, और जो एग सेल होता है ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। दोनों गैमेट्स हैं। जर्म लाइन सेल्स के अंदर स्पर्म सेल और एग सेल आता है, ठीक है, और ये दोनों जो हैं इनको गैमेट्स बोलते हैं और ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब स्पर्म सेल जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है तो जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से नया इंडिविजुअल बन जाता है। अब आपने देखना है कि सोमैटिक सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को बना रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल सारे बॉडी के सेल्स जो है सोमैटिक सेल्स हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर पाए जाने वाले सेल्स जो हैं वो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, ठीक है, ये गैमेट्स बनाते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस इन दोनों में ये है कि सोमैटिक सेल्स के अंदर जो है वो माइटोसिस होती है और जर्म लाइन सेल्स के अंदर जो है वो मियोसिस होती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स, तो आपने बताना है कि वो वाले सेल्स जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिस्म बॉडी बनी हुई होती है वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, और वो वाले सेल्स जो कि जिनसे गैमेट्स बनते हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको जर्म लाइन सेल्स कहते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है, ठीक है, एक सेल से दो सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस तरह का पेरेंट सेल के अंदर था उसी तरह का डॉटर सेल्स के अंदर होगा। और जो जर्म लाइन सेल्स हैं इसके अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस वन और टू होने के बाद एक सेल से चार नए सेल्स बनते हैं और उन चार नए सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, कि पेरेंट सेल के अंदर जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम था उससे आधा जो है वो डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएगा, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो डिवीजन है वो दो मेन फेजेस के अंदर होती है, एक कैरियोकाइनेसिस होती है, दूसरी साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस जो है ये डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसकी अगर डिवीजन हो रही है तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस के डिफरेंट किस्म के फेजेस हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है।
प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, ट्रिलोफेज क्या है, इसको कल डिटेल से हम लोग एक एक दो दो फेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज आप लोग बस इतना याद रख रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट साइटोकाइनेसिस है, जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है ये सारे फेजेस हो जाते हैं, प्रोफेज भी गुजर गया, मेटाफेज भी गुजर गया, ठीक है, एनाफेज भी गुजर गया, टीलोफेज भी गुजर गया, ये सारे फेजेस गुजर गए, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दो के अंदर डिवाइड हो गया या दो पार्ट्स के अंदर सेग्रीगेट हो गया है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस में क्या होती है कि जो उस सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड करता है और नई उसके अंदर मेम्ब्रेन बनती है, तो एक सेल से दो नए सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थी साइटोकाइनेसिस स्टूडेंट्स, इसको आज इतना सही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने याद रखना है कि 1880s के अंदर जर्मनी का एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वाल्डर फ्लेमिंग, उसने ऑब्जर्व की थी सेल की डिवीजन, ठीक है। उस सेल के डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है, उसने कहा था माइटोसिस एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल्स के अंदर बनता है और दो नए जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो उतना ही होता है जितना कि पेरेंट सेल के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया दो तरह के बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, दूसरा जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो बनाते हैं सेल्स, सारी की सारी बॉडी जिन सेल्स की बनी हुई होती है वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। जर्म लाइन सेल्स वो हैं जो कि गैमेट्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की बात की हमने, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस, ठीक है, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोट, ये वाली जो सारी डिवीजन की हमने बात की ये यूकैरियोटिक सेल्स की बात की है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर भी टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है, लेकिन दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नॉट नोन एज माइटोसिस, दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज द बाइनरी फिशन, ठीक है। उसमें एक सेल से नए दो सेल्स ही बनते हैं। ये आपके क्वेश्चन अभी आता होता है कि वाई माइटोसिस डज नॉट अकर इन द प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपने इसका आंसर बताना है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ही नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे जो है वो डिवीजन या नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस तरह से होते ही नहीं है, या क्रोमोसोम का नंबर उस तरह से नहीं होता है, तो उसके अंदर चूंकि प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता है इसलिए स्पिंडल फाइबर्स भी उनके अंदर नहीं बनते और डिवीजन जो है वो नहीं हो सकती है, तो एक सेल से सिंपली दो नए सेल्स बन जाते हैं, उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो क्या उसे कहते हैं माइटोसिस नहीं होती है, ठीक है, उसके अंदर जो डिवीजन होती है जिस टाइप की उसको बाइनरी फिशन कहते हैं उसको माइटोसिस नहीं कहते। क्यों नहीं माइटोसिस कहते, क्योंकि उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनते हैं, उस तरह से उसके अंदर डिवीजन नहीं होती है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। आज का जितना भी लेक्चर था इसमें मैंने आपको दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, डिफाइन माइटोसिस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तीन हो गए, चौथा ये है कि वाई माइटोसिस डज नॉट अकर इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, तो आपने बताना है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं होते हैं, तो इसलिए उसके अंदर इस तरह की डिवीजन नहीं होती है, तो जिस टाइप की उसके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है उसको हम लोग माइटोसिस नहीं कहते बल्कि बाइनरी फिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आज के शॉर्ट फोर शॉर्ट क्वेश्चन से, ये चारों मैं आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर भी दूंगी, तो आप चाहे तो असाइनमेंट मिलने से पहले ही इनको अटेम्प्ट कर लें, लिख लें और इनको अच्छी तरीके से याद करें। कल इंशाल्लाह हम लोग माइटोसिस का प्रोफेज स्टार्ट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।